हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:30, 2:30 शुरू करते हैं। अभी चालान बहुत लंबा चौड़ा है दुबई में, तो मुझे नहीं भरना वो सब चीज़ें। ये मेरी बालकनी में हमेशा चला गया नीचे, तो पिजन आता है तो लेकिन इसको कुछ दे नहीं सकते, यहाँ अलाउ ही नहीं है इसे कुछ देना, क्योंकि इसके लिए जगह बना हुआ है। एक जगह है जहाँ पे खाना खाते हैं, उस जगह पे लोग खाना डालते हैं। खाना पानी वही होता है। मैंने आज पूछा था, बताया था एक भैया ने कि वहीं पे खाना डालते हैं, घर में नहीं डालते। मैं आज तक फिर डाला ही नहीं, कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि। तो गाइस, कड़ी राइस बना रही हूँ आज, बहुत अच्छे से खट्टी कड़ी थी। मेरे पास फ्रेश लवान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चल फ्रेश कड़ी क्यों नहीं बनाया जाए, तो फिर मैंने ना कड़ी बना लिया, तो बन रहा है। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 2:30 हो गया है, और उसके साथ साथ काम मेरा सारा हो गया है, सारा काम कंप्लीट। सुबह जल्दी हो जाती है आजकल। और आरव ने बनाया था मैंगो जूस, जो बहुत ही टेस्टी था, मैंगो जूस। तो मैंगो जूस कौन है, किस बात कर रहे हैं? अच्छा, तो आरव अपने ना फ्रेंड से बात कर रहा है, दीवान से, जो इंडिया में रहता है। दीवांश आरव का फेवरेट दोस्त है और बहुत अच्छा बच्चा है वो। तो अभी इंडिया में है, आ जाते घूमने के लिए। दीवांश और नील, आरव, ये सब दोस्त हैं। और मेरे को भी इस तीनों चारों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग फार्म हाउस पे जाते थे, हम लोग खूब खेलते थे, मतलब अच्छा लगता था मेरे को। दीवांश से बात करा आरव। कल गाइस एक सरप्राइज़ है, अगर वो सरप्राइज़ हो जाएगा तो मैं वो सरप्राइज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर, लाइक जरूर किया करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, फिर वही है ना कि 1 लाख से हम अमीर थोड़ी ना हो जाएंगे। ये बना रही हूँ मैं बेसन के पकौड़े, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और साबुत धनिया, नमक सब कुछ डाल के इसको पकौड़े तल रही हूँ मैं। और ये पकौड़े बन रहे हैं, एक बार पिटा चुकी इसके अंदर, ये कड़ी बन गया है। तो ये कड़ी है और राइस बनने वाला है, कड़ी राइस बना रही हूँ आज। बता दिया मैंने, कपड़े वॉश हो रहा है, इस देखो इतना सुंदर कलर आया कड़ी का। अभी तो लाल मिर्च का तड़का लगाऊंगी, गर्म हो रहा है। और जब राइस बन गया इसको मैंने छानना है छन्नी में, इधर पानी गर्म हो रहा है, तो कड़ी गाढ़ा ज़्यादा बन गया, थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर। खट्टी इतनी बढ़िया बनी है, खूब खट्टी बनी, खट्टी खट्टी बनी है कड़ी। इसमें मक्खन था पहले से, ये जो लवान है ना फ्रेश, इसमें मक्खन था पहले से। देखो इतना सुंदर, एकदम कम से कम 2 घंटे से ये कर रही है कड़ी, तो ये बहुत अच्छी बनी है कड़ी। बस तड़का तैयार हो जाए, तड़का डालूंगी। गाइस, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल तो नहीं था मेरे लिए, मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो बस गुजारा हो जाता है। गर्म कर लिया है तड़का, अब मैं डालूंगी इसके अंदर हींग, खूब सारा डाला है। बन गया कड़ी चावल, अब हम खाने लगे हैं कड़ी चावल। यार बहुत टेस्टी बना। हाँ गाइस, तो कड़ी पकौड़ा बहुत अच्छा बना था, और हमने खाना खा लिया, फ्री हो गए, और सब ने खाना खा लिया। आशीष जी ने रोटी खाया, क्योंकि राइस वो खाते नहीं हैं, तो उनको रोटी बना के दिया मैंने स्पेशली उनके साथ, और बहुत अच्छा लगा, खाया उन लोगों ने। और मैंने तो कड़ी चावल ही खाया, बहुत मज़ा आया। अभी जाना है मुझे डे टू डे, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लेके आऊँगी, कुछ मुझे ना जैसे कि कुछ किचन का सामान, वॉशरूम का सामान वगैरह वहीं से लेके आना है मुझे, तो वो चीज़ जाऊँगी मैं लेने के लिए, और बस ये लेने जाऊँगी। और कल की वीडियो में एक सरप्राइज़ है, जो कल की वीडियो में पता लगेगा क्या सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ है कुछ ख़तरनाक, तो कल की वीडियो में देखने के लिए मिलेगी आपको। और बस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, और ना थोड़ा सा चलाक लोगों से दूर रहना, चलाक लोग आपका कब फ़ायदा उठा ले कुछ पता नहीं चलता है, तो चलाक लोगों से दूर रहना। बाय बाय गाइस।